साथ मौजूद हैं जयंत चौधरी। जयंत, आज आप जो है राज्यसभा में जब बोलने के लिए खड़े हुए, भारत रत्न का जिक्र हो रहा था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी की गई कि कैसे बोलने का मौका दिया जा सकता है। देखिए, हाथ उठा के कई मेंबरों ने कहा कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ जी। जो फैसला कोई एमपी नहीं ले सकता, वो चेयर का फैसला प्रेरोगेटिव है। कौन बोलेगा, किस विषय को वहाँ उठाया जाएगा, ये भी सभापति तय करेंगे। मैंने कल सभापति जी से दरख्वास्त अपनी रखी कि जब इतना बड़ा मौका है, चौसा को भारत रत्न दिया गया, कि मुझे 2-3 मिनट दिए। अगर विपक्ष के लोग, कोई नेता खड़ा होकर ये कहता कि हम भी इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें भी अपनी बात रखने के मौका अवसर मिले, 3 जो भारत रत्न दिए गए 9 तारीख को, एक बड़ा सम्मान है देश का, तब शायद चेयर मना नहीं करते। लेकिन मेरी बात को जिस तरह से उन्होंने काटा, तो सभापति जी भी नाराज़। उन्होंने कहा अपमान किया जा रहा है चौधरी साहब का। बिल्कुल, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा, मैंने आज तक शायद आवाज़ उठा के किसी से बात नहीं की, किसी की तरफ इशारा नहीं किया इस तरह से। तो पर्सनल अटैक तो था, लेकिन ये वो अवसर नहीं है कि मैं अपने पर्सनल अटैक को इशू बनाऊँ, मुद्दा बनाऊँ। चौधरी चरण सिंह जी मुझसे बड़े हैं, वो एक छोटी दलगत राजनीति से ऊपर हैं, वो एक छोटे चुनाव के मसले से ऊपर हैं, ये बात सबको समझनी चाहिए। यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सौदेबाजी, अगर जो आप एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो ये माना जाएगा कि भारत रत्न के लिए सौदेबाजी। भारत रत्न का जो सम्मान है, कहीं किसी हिसाब से छोटा सम्मान नहीं है। सोच समझ के सरकार ने दिया, देश की जनता और हर वर्ग की भावनाओं के अनुरूप दिया है, गाँव-गाँव में खुशी का माहौल है, तो ये गलत कहा है। सौदेबाजी वो बता रहे हैं, अगर आप एनडीए के साथ जाते हैं तो। देखिए, सौदेबाजी नहीं होती, वो शब्द का चयन ही गलत है। एक विश्वास बनता है तब फैसला लिया जाता है, राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, जनता की भावना के अनुरूप लिए जाते हैं, और पार्टियां गठबंधन करती हैं। गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार नहीं बिगड़ रहा, पार्टी सब साथ मिलके काम करती है। ये अंदर जो भी हो, बाहर जाकर भी सभी नेताओं में आपस में इतना सम्मान है कि सब लोग साथ मिलके काम करते हैं। आखिरी सवाल पूछ, ये तो बहुत घटिया बात है कि अगर मैं यहाँ गठबंधन कर रहा हूँ तो इसके ये पुरस्कार भारत का रत्न मिल रहा है। बस एक आखिरी सवाल, तो इसका मतलब क्या माना जाए, आप एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ तो सीट एलोकेशन भी फाइनल हो गया था, अनाउंस हो गया था, तो नहीं, फाइनल नहीं हुआ था जी। जो सीटों की संख्या घोषित हुई थी, उसमें अधिकांश सीटों पे अनिश्चित ही रहा था और वो चीज़ें तय नहीं हुई। आप इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सीधा सवाल वही मैं जो आपसे पूछ रहा था, जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और घोषणा तय होगी कि किस तारीख पे हम लोगों को पूरा अपना प्लान उजागर करना है, रणनीति जनता और देश के सामने। जो आपने सदन के अंदर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी साहब की नीतियों को आगे बढ़ा रहे, विचारों को आगे बढ़ा रहे, आप उसी के साथ में हैं? मैंने ये कहा कि चौधरी साहब भी बड़े नेताओं से, जो देश के बड़े चेहरे हैं, महान हस्तियाँ थी, उनके नेतृत्व में भी और चौधरी साहब के नेतृत्व में भी वही गुण थे जी। उसी हिसाब से इन कंटिन्यूएशन 10 साल का जो अनुभव है, कई अच्छे काम सरकार ने किए, और मैंने ये कहा कि मैं तो विपक्ष में रहूँगा सर जी, बिल्कुल, तब भी मैंने इस बात को महसूस किया। और आज जब प्रधानमंत्री चौधरी साहब को भारत रत्न दे रहे हैं, उनके निधन के 37 साल बाद उन्होंने इतना उनको वजन दिया और उनको एहसास है, तो उस भावना को भी तो हमें समझना चाहिए। पहले भी तो दिया जा सकता था, क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, पहले भी दिया जा सकता था, क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका खुलकर जवाब दे रहे हैं जयंत चौधरी, और इशारों में उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि जब सही वक्त होगा, सही तारीख होगी, सब कुछ जो है फाइनल हो जाएगा, तो इस बात का आधिकारिक ऐलान भी किया जाएगा। तो उन्होंने भले ही ये खुलकर ना कहा हो कि हाँ एनडीए का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, लेकिन इशारों में उसकी पुष्टि तो ज़रूर कर दी। अंकित गुप्ता, ABP News, दिल्ली।